हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। YouTube पर वीडियो अपलोड करना कहां से ज्यादा अच्छा रहेगा और आप कहां से अपलोड करते हैं ये भी जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलता है। YouTube का एल्गोरिथम भी चेंज होते रहता है। आप अभी तक अपने YouTube वीडियो को डायरेक्ट YouTube ऐप से ही अपलोड करते हो, मैक्सिमम यूट्यूबर यही करते हैं, ठीक है। कुछ गिने चुने लोग क्रोम ब्राउजर से अपलोड करते हैं, या तो फिर जो डेस्कटॉप और लैपटॉप यूज करते हैं तो फिर वो वहां से अपलोड करते हैं, लेकिन मैक्सिमम यूट्यूबर डायरेक्ट यूट्यूब ऐप से ही अपने यूट्यूब वीडियो को अपलोड करते हैं। लेकिन अब जो है वीडियो अपलोड करने का फीचर YT स्टूडियो ऐप पर भी 2024 में आ गया है, और इसको लेकर के यूट्यूब पर काफी वीडियो बन चुके हैं, मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जिस टाइम अपडेट आया उस टाइम वीडियो देख लेते हैं और फिर भूल जाते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, उसको साइड कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप YouTube पे काम करते हैं और YouTube पे सक्सेस होना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आपको YouTube पे जो भी अपडेट आता है, छोटी सी छोटी अपडेट आता है, उसको ध्यान में रखते हुए आपने YouTube पे काम करना है, ठीक है। और जो भी नया फीचर आता है उसे आपने यूज भी करना है। तो इन फ्यूचर यदि आपको अपने YouTube वीडियोज पे व्यूज चाहिए, तो अब से जो भी वीडियो आप अपलोड करेंगे उसे आप YT स्टूडियो ऐप से अपलोड करना शुरू कर दीजिए। 100% आपके वीडियोज पे व्यूज इंक्रीज होंगे, क्योंकि जो भी नया अपडेट आता है, जो भी नया फीचर आता है, उस पे YouTube का नजर ज्यादा रहता है, वो ट्रेंडिंग में रहता है, ठीक है। तो यदि आपको पता नहीं है कि YT स्टूडियो ऐप से आप वीडियो कैसे अपलोड करेंगे, तो आगे इस वीडियो में मैं आप लोग को बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं कि आप YT स्टूडियो ऐप से कैसे वीडियो अपलोड करेंगे और साथ साथ में उस वीडियो का SEO भी कैसे कर पाएंगे। तो इसे अच्छी तरह समझने के लिए आपको इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना पड़ेगा, तभी आप इसे अच्छी तरह समझ पाएंगे, देन इसे यूज कर पाएंगे, ठीक है। आगे जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप वीडियो को करते हैं शुरू। हेलो फ्रेंड्स, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैंने YT स्टूडियो ऐप ओपन कर लिया, और यहाँ पे मेरा YouTube ब्लॉग चैनल लॉगिन है। आगे आप अपने YouTube चैनल के वीडियोज को YT स्टूडियो ऐप से कैसे अपलोड कर पाएंगे और साथ साथ में SEO कैसे करेंगे, ये सब कुछ आपको पता चलने वाला है। आपने सिर्फ वीडियो के साथ बने रहना है और बिना स्किप किए हुए वीडियो को फुल वॉच करना है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर आप देख पा रहे होंगे प्लस का एक आइकॉन है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। तो ये प्लस के आइकॉन पे आपने क्लिक करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूं। तो प्लस के आइकॉन के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपके मोबाइल का गैलरी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वीडियो आपने अपलोड करना है वो सेव करके रखे होंगे अपने मोबाइल के गैलरी में, तो उसे सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूं, जैसे कि मैं इस वीडियो को सिलेक्ट किया। तो इस तरह का इंटरफेस आया, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ फर्स्ट में देखिए टाइटल है, तो यहाँ पे आपने टाइटल एड करना है, टाइटल लिखना है। तो मेरा ये ब्लॉग है, छोटा सा ब्लॉग है, यानी कि मिनी ब्लॉग, तो मैं उसी तरह से इसका टाइटल लिखूंगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देसी जुगाड़ एग्रीकल्चर, और उसके बाद दो लाइन दिया हूँ, उसके बाद लिख रहा हूँ एग्रीकल्चर ब्लॉग, क्योंकि एक खेती से संबंधित, एक खेती रिलेटेड है। उसके बाद फिर दो लाइन दिया हूँ, उसके बाद लिखा हूँ मिनी ब्लॉग्स, ठीक है। देन टाइटल को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद आपने एड डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करना, तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में फर्स्टली आपने जो टाइटल को कॉपी किए थे उसे पेस्ट कर दीजिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे लिख दीजिए योर क्वायरी, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ से बाहर हो जाना है, देन गूगल ओपन करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैंने गूगल ओपन किया, और यहाँ पे आपने सर्च करना है रैपिड टैग्स, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, जो कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। देन यहां देखिए लिखा हुआ है यूज टैग जनरेटर, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूं। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन देखिए यहां पे सर्च बार शो हो रहा है, तो यहां सर्च बार में आपने अपने वीडियो के टाइटल को लिखना है, ठीक है। जैसे कि मेरे वीडियो का टाइटल जो था वो यहां पे लिख रहा हूं, तो मैं अपने ब्लॉग का टाइटल देसी जुगाड़ एग्रीकल्चर ब्लॉग यहां पे लिख दिया हूं। देन सर्च करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूं। तो सर्च करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आया, जो कि आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पे ढेर सारे कीवर्ड्स हो रहे हैं, जो कि इस टाइटल का
सर्चेबल कीवर्ड है, ठीक है। तो नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कॉपी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आई एग्री के ऊपर आपने क्लिक करना होगा, जैसे कि मैं कर रहा हूं। तो कॉपी का ऑप्शन आ गया, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद यहां से बाहर हो जाते हैं, अगेन YT स्टूडियो में चलते हैं, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्वायरी के नीचे उसे पेस्ट कर देते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसे पेस्ट कर देने के बाद यहाँ पे जो भी कोमा है उसे आपने निकाल देना है। तो इस तरह से आपने पूरे कीवर्ड को सजाना है। आगे जो आपके वीडियो के टॉपिक से बिल्कुल अलग कीवर्ड है उसे आप निकाल भी सकते हैं, और कोई आपको अच्छा कीवर्ड लगे जो कि बिल्कुल आपके वीडियो के रिलेटेड है तो उस तरह का कीवर्ड ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसके नीचे थैंक्स फॉर वॉचिंग लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूं। उसके बाद आपने हैशटैग लगाना, जैसे कि मैं लिख रहा हूं हैज देसी जुगाड़ एग्रीकल्चर, उसके बाद इंटर कर देते हैं, नीचे हैज एग्रीकल्चर, देन इंटर कर देते हैं, फिर लिखते हैं हैज मिनी ब्लॉग्स, देन इंटर कर देते हैं, फिर लिखते हैं हैज प्रमोद जी ब्लॉग्स। तो आपका जो भी चैनल का नाम होगा तो उसे हैज लगा करके ऐड कर देना है, ठीक है। चैनल का नाम भी होना बहुत जरूरी है। देन बैक आ जाइए, यहाँ पे देखिए विजिबिलिटी है, तो विजिबिलिटी आपने वीडियो अपलोड करते टाइम अनलिस्टेड में ही रखना है। मैं बराबर अपने वीडियो को अपलोड करते टाइम अनलिस्टेड में ही रखता हूं, ठीक है। देन उसके नीचे देखिए है ऑडियंस, तो ऑडियंस को आपने नो इट्स नोट मेड फॉर किड्स, इसी को आपने सिलेक्ट रहने देना है। यदि आप बच्चे के लिए वीडियो बनाते हैं तो फिर आप दूसरा सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके नीचे है एड टू प्लेलिस्ट, तो यदि आपका कोई प्लेलिस्ट है तो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा ब्लॉग्स का प्लेलिस्ट है तो मैं यहाँ पे ब्लॉग्स सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देन उसके नीचे है शॉर्ट्स रिमिक्सिंग, तो इसे भी आप अलाउ कर सकते हैं, मैं इसे अलाउ करके रखता हूँ, क्योंकि अलाउ करने से खुद का ही फायदा होगा, क्योंकि यदि मेरे वीडियो को कोई शॉर्ट्स के रूप में रिमिक्सिंग करेंगे तो मेरा वीडियो ही प्रमोट होगा, ठीक है। तो यदि आप भी चाहें तो अलाउ कर सकते हैं, अन्यथा दूसरा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके नीचे देखिए है कमेंट्स, तो आपको कमेंट्स को ऑन कर देना है, ठीक है। देन यहां से आप थंबनेल भी ऐड कर सकते हैं। यहां ऊपर देखिए लेफ्ट साइड पेंसिल का आइकॉन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, फिर आपके मोबाइल का गैलरी ओपन हो जाएगा। तो यहां से आपने थंबनेल को सिलेक्ट कर लेना है, देन ऐड कर देना है, उसके बाद ऊपर डन कर देना है, तो आपका थंबनेल ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं किया हूं आप लोग देखे ही है, ठीक है। तो अब जो है वीडियो अपलोडिंग का मैक्सिमम काम हो चुका है, तो अब आपने वीडियो को अपलोड कर देना है। नीचे अपलोड का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, जैसे कि मैं कर रहा हूं, तो वीडियो अपलोडिंग होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मेरा ये ब्लॉग जो अपलोड किया हूं ये प्रोसेसिंग में है, अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो अपलोडिंग के प्रोसेसिंग टाइम में यूट्यूब आपके वीडियो को चेक करता है, ठीक है। आगे आपने एक काम और भी करना है जो अभी आप कर सकते हैं, उधर वीडियो भी अपलोड होता रहेगा क्योंकि प्रोसेसिंग चल रहा है, और जब तक वीडियो अपलोड होगा तब तक आप वो काम कर सकते हैं। अभी फिर से आपने वीडियो को ओपन करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूं, देन एडिट में जाना है। उसके बाद नीचे देखिए सी मोर का एक ऑप्शन आ गया जो पहले नहीं दिख रहा था, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूं। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे देखिए एड टैग्स है, तो यहाँ पे आपने टैग्स डालने हैं, आपके वीडियो का जो टॉपिक है उसके अनुसार आपने टैग्स डालने हैं। जैसे कि मेरा मिनी ब्लॉग था तो मैंने जो टाइटल लिखा था उसके अनुसार ही टैग लगा रहा हूं, जो कि आप लोग देख पा रहे हो। तो फर्स्ट में यहां मैं लिख देता हूं देसी जुगाड़ एग्रीकल्चर, उसके बाद आपने इंटर मार देना, तो ये जो है टैग लग जाएगा, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं यहां भी है, तो हैश पे नहीं लगाना, आपने स्पेस दे दे करके वर्ड को लिखना है, देन इंटर करना है, ठीक है। दूसरा टैग्स मिनी ब्लॉग्स लिख देता हूं, देन इंटर कर देता हूं, तो ये टैग्स ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपने कुछ टैग ऐड कर देने हैं, उसके बाद बैक आ जाइए, देन सेव कर दीजिए, तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये वीडियो अपलोड हो चुका है, लेकिन इसे पब्लिक देख नहीं पाएगा क्योंकि अनलिस्टेड मोड में है। तो इसे हम दोबारा ओपन करते हैं, देन विजिबिलिटी में जाते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो शेड्यूल भी लगा सकते हैं, डेट और टाइम सेट करना होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ शेड्यूल लगा देने के बाद तो वो टाइम होते ही आपका वीडियो पब्लिक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहें तो प्रीमियर भी लगा सकते हैं, तो प्रीमियर लगा देने के बाद जिस टाइम आपका वीडियो पब्लिक होगा उस टाइम लाइव मोड में होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आप लोग को बताया, आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए। आगे ये वीडियो आपको कैसा लगा पक्का कॉमेंट कीजिएगा, और यदि थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और जो फर्स्ट बार ज्वाइन किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल,
प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब इस वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।